Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to continue the poem Vibe. Now let's read and enjoy this poem. Why? Kyun? I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. So in this poem there is a little curious boy. Little curious boy means छोटा सा जिज्ञासु लड़का जो कि हर समय why पूछता रहता है, क्यों ये, क्यों वो, क्यों कब, क्यों तब, ऐसा पूछता रहता है. Why not, why by the by, और क्यों नहीं, क्यों इसके द्वारा, वो हमेशा क्यों पूछता रहता है. He wants to know why wood should swim. तो वो ये जानना चाहता है कि वुड लकड़ी स्विम क्यों करती है पानी में. Why lead and marble sink, और lead सीसा और marble संगमरमर पानी में डूब क्यों जाते हैं. Why sun should shine and wind should blow, sun shine क्यों करता है और wind blow क्यों करती है. And why we eat and drink, और हम खाना और पानी क्यों पीते और खाते हैं. He wants to know what makes the clouds. वो जो जानना चाहता है कि clouds किससे बनता है. And why they cross the sky, और वो sky को cross क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं. Why sinks the sun behind the hills, sun hills के पीछे क्यों डूब जाता है. And why the flowers die, और flowers मर क्यों जाते हैं. Some of these whys are not too hard. कोई उसके वाइस ज़्यादा हार्ड नहीं है आंसर देने के लिए. अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड अ रीज़न वाई, लेकिन जो उसके वाई का आंसर देने के लिए बहुत ही कठिन है उसका आंसर अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है. सो दिस इज़ द पोएम अबाउट अ लिटिल क्यूरियस बॉय. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. क्यूरियस जिज्ञासु, लीड सीसा, मार्बल संगमरमर, सिंक डूबना, रीजन कारण. रीडिंग इज फन. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक. कोई चीज़ों के नाम बताओ जो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं. तो लीड है, मार्बल है और स्टोन है. स्टोन भी डूब जाता है पानी में. लिस्ट थ्री क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्स. तो जो लिटिल बॉय है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उनमें से तीन हमें बताने हैं. व्हाई डू लीड एंड मार्बल सिंक, लीड एंड मार्बल क्यों डूबते हैं. व्हाई डज सनशाइन क्यों करता है, और व्हाई डज विंड ब्लो क्यों करती है. व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. जो बॉय है पोएम में वो क्या है, सैड है, क्यूरियस है कि ब्रेव है. वो क्यूरियस है, जिज्ञासु है. Let's talk. Ram is a curious little boy. He is always asking questions. One day he came home and asked his grandmother questions like, why can't we look at the sun during a solar eclipse? Why can't we touch the sun? Why can't we go out to play in the dark? Discuss these questions with your teacher and class. Do you know the answers? तो राम एक क्यूरियस लिटिल बॉय है. वो हर समय अपने दादी से, अपने ग्रैंडफादर से सॉरी, क्वेश्चंस करता रहता है. और वो पूछता है कि व्हाई कान वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. हम सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सन को क्यों नहीं देख सकते. व्हाई कान वी टच द सन, हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते. व्हाई कान वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, और हम डार्क में खेलने क्यों नहीं जा सकते. तो Why can't we look at the sun during a solar eclipse? We can't look at the sun during solar eclipse because it hides itself behind the moon. तो sun, moon और earth एक line में आ जाते हैं. तो sun
मून सन को ढक देता है तो सन नहीं दिख पाता, इसीलिए हम सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सन को नहीं देख सकते। वाई कांट वी टच द सन, हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते? बट सन तो बहुत ही हॉट होता है, वो तो बॉल ऑफ फायर है और वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम उसे टच नहीं कर सकते। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, और हम डार्क में खेलने क्यों नहीं जा सकते? अवर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हेंस वी कांट प्ले इन द डार्क। तो जो हमारी आईज है वो डार्क में नहीं देख सकती, इसीलिए हम डार्क में खेलने नहीं जा सकते। सो दिस वर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड द पोएम इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।